खबर है अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद अब इस केस में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब सबकी निगाहें उन तीनों शूटर्स पर टिकी हुई हैं, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर कई अहम सुराग जो है वो निकाल सकती है। इस बीच क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सारी खबर आपको बताते हैं। और साथ ही आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से अब पुलिस इन शूटर्स के मोबाइल की तलाश में जुटी हुई है, और साथ ही क्राइम सीन रिक्रिएट करने की बात भी कही जा रही है। पूरी खबर जानी है। दरअसल माफिया अतीक अहमद और अशरफ के तीनों हत्यारे लवलेश, सनी और अरुण को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन की रिमांड दे दी है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। उधर इस केस में जज का नाम जानना भी अहम है। सीजीएम कोर्ट नंबर 10 में जज दिनेश कुमार गौतम ने रिमांड पर यह फैसला सुनाया है। एसआईटी को लेकर भी जिक्र हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है अब तीनों को किसी सीक्रेट जगह पर लेकर गई है, जिसमें उपायुक्त क्राइम सतीश चंद्र, एसीपी सत्येंद्र तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसके लिए 100 सवाल तैयार किए हैं, यानी कि तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। तो इस दौरान 100 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। पुलिस को अब इन आरोपियों के मोबाइल की तलाश है। उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि मोबाइल का अगर पता चलता है तो उससे ये पता कर पाएगी पुलिस कि आखिरी वक्त में इन तीनों आरोपियों ने किससे बात की और वो कौन कौन से लोग थे जिनसे ये संपर्क में थे। क्योंकि अगर पुलिस को मोबाइल मिल पाता है तो उसके बाद कड़ियां लगातार जुड़ती चली जाएंगी। तो मोबाइल अगर मिलता है तो वो इस जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इसके अलावा इस केस में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अतीक गैंग का एक और शूटर असाद कालिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस केस में बड़ी डेवलपमेंट है। शूटर असाद कालिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 50,000 का इनाम था। असाद कालिया को अतीक गैंग का फाइनेंसर भी बताया जाता है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। हालांकि आपको बता दें कि इधर जो तीनों हमलावर हैं उनको जब सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। बताया जा रहा है कि इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जांच एजेंसियों को इन पर हमलों के इनपुट मिले थे। बताया जा रहा था कि इनके ऊपर हमला हो सकता है। तीनों हमलावरों को 27 अप्रैल को प्रयागराज जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। यानी कि आप समझिए कि इन तीनों ने पुलिस के सामने सरेंडर तो कर दिया उस वक्त, लेकिन अब इनके ऊपर भी हमले की या कहिए मौत की तलवार जो है वो लटक रही है। क्योंकि पहले जब शिफ्टिंग का जिक्र आया था, जब इनको प्रयागराज जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था, तो प्रयागराज की जो नैनी जेल है वहीं पर अतीक अहमद का जो दूसरे नंबर का बेटा है अली अहमद, वो बंद है। तब ये माना गया था कि अली अहमद जो है वो किसी तरीके से इनके ऊपर हमला करवा सकता है। और इसके अलावा गैंगवॉर का भी जो है शक जताया गया था। उस हालत में इन तीनों की जान को वहां पर खतरा था, और जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ की मौत हुई है, अब यूपी पुलिस किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है कि अब एक और कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे पुलिस के लिए न सिर्फ इस जांच में आगे बढ़ना मुश्किल हो बल्कि सच तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए कि आखिर इन तीन लड़कों को, इन तीन शूटर्स को भेजा किसने था। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर अब पुलिस जो है इन तीनों से, एसआईटी जो है वो इन तीनों से पूछताछ करेगी, इनके फोन की तलाश करने की कोशिश में है। अगर वो मिलता है तो कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। फिलहाल इस केस में ये बड़ा अपडेट है। इसके अलावा एक लाइन का अपडेट ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम जो है, जो लगातार फरार है, उसके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो हो सकती है। इसे लेकर फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और आप इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अतीक के गुर्गे या अली बदला लेने की फिराक में होंगे इन तीनों से, उधर पुलिस फिराक में है कि इन तीनों को सुरक्षित रखकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाली जा सके, ताकि इस पूरे केस को एक क्लोजर मिल सके, अनजान तक पहुँच सके। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, नीचे अगर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।